हेलो फ्रेंड्स अ वेरी वार्म वेलकम टू द ऑफिशियल पेज ऑफ रीड माय कोर्स लेट मी इंट्रोड्यूस मायसेल्फ आई एम डॉक्टर चौताब्दी मैं एक पेडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ एक डेंटल सर्जन हूँ और बायोलॉजी को लेके बहुत पैशनेट हूँ पढ़ाना चाहती हूँ तो आप लोगों के साथ बायोलॉजी के कुछ टिप्स क्लास इलेवन और ट्वेल्थ के बायोलॉजी का कोर्स और उसके बाद उसके कम्पिटेटिव एग्जामिनेशनस के लिए जितना पढ़ना होता है वो सब डिस्कस करने के लिए आज आई हूँ सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो ये रहा हम लोगों का आज का आउटलाइन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग बायोलॉजी बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है स्पेशली क्लास 11 और 12 के लिए देन हम लोग जानेंगे कि इसका कोर्स का जो आउटलाइन है वो क्या है क्या क्या हम लोगों को इसमें पढ़ना होता है उसके बाद हम लोग जाएंगे एन सी ई आर टिकल्स और सिलेबस है उसमें उसमें हम लोग देखेंगे कि क्लास इलेवन में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है चैप्टर वाइज क्लास ट्वेल्व में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और डायरेक्ट कैसे कैसे क्वेश्चन और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन उठ के कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे पढ़ें पढ़ना तो सबको है लेकिन कैसे पढ़ें दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी दैट इज़ इफेक्टिव सो सबसे पहले वॉट इज बायोलॉजी बायोलॉजी जो टर्म है वो दो ग्रीक शब्दों से आया है एक है बायोस विच मीन्स लाइफ एंड द अदर इज लोगो विच मीन्स स्टडी सो बेसिकली बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बायोलॉजी को इंटर डिसिप्लिनरी साइंस माना जाता है सो वॉट इज़ दिस इंटर डिसिप्लिनरी साइंस बेसिकली बायोलॉजी के बेसिस पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम लोग बाद में पढ़ने के लिए चूज कर सकते हैं जैसे सबसे बड़ा आया मेडिकल साइंसेस मेडिकल साइंसेज में किसी को डॉक्टर बनना है किसी को दांत का डॉक्टर बनना है किसी को फार्मास्यूटिकल्स में जाना है किसी को आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है नर्सिंग स्टाफ बनना है तो कुछ भी बनना है उसके लिए बायोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक सब्जेक्ट जो इलेवन और ट्वेल्व में चाहिए ही चाहिए उसके बाद आ जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायो का क्या कॉम्बिनेशन है अगर हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ लेंगे और बायोलॉजी नेगलेक्ट करने से हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि बायो फिजिक्स और बायो केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स आ गए हैं जिसमें स्पेशलाइज़ करने के लिए आपको बायोलॉजी और फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ साथ बायो में भी उतना ही इंटरेस्टेड और इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है उसके बाद रिसर्च एक बहुत बड़ा फील्ड है इसमें जिसमें जेनेटिक्स आ जाता है मोलिकुलर बायोलॉजी आ जाता है माइक्रो बायोलॉजी आ जाता है फिर फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिनल जो वर्क्स रिसर्च वर्क्स हो रहे हैं स्पेशली इस टाइम में कोविड के टाइम में इंडिया में उसमें हम लोग सब जानते ही हैं कि इंडिया का कितना बड़ा रोल रहा है तो आई वुड लाइक टू से दैट बायोलॉजी इज द बेसिस ऑफ ऑल दीज वर्क ठीक है तो इसीलिए बायोलॉजी अच्छे से जानना उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना छोटे ही उम्र से इज वेरी इंपॉर्टेंट चलिए अब देखते हैं कि हम लोग कौन से सिलेबस फॉलो करेंगे एन सी ई आर टी जो है दैट इज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1961 के करीब आया था एंड बेसिकली इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 11, क्लास 12 एंड देन फर्दर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक नीट एम्स जो मेडिकल एंट्रेंस के ऑल ओवर इंडिया कम्पिटेटिव एग्जाम्स है और यूपीएससी पी एस सी प्रिलिम्स यू पी जो है इसमें भी देखा गया है कि एन से डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आते हैं पिकअप क्वेश्चन आते हैं सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्ट्रिक्टली फॉलो द एनसीआर सिलेबस और भी कुछ कुछ फायदे हैं जैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एन एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बुक है जो हम लोग सारे अच्छे से पढ़ सकते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं तो आइए देखते हैं कि एन का जो क्लास इलेवन का सिलेबस है उसमें क्या क्या है ये जो बुक का पिक्चर आप देख रहे हैं ये एन क्लास इलेवन का कवर पेज है बुक का और ये जो नीचे यूनिट्स दिए हुए हैं ये क्लास इलेवन में पढ़ने वाले टॉपिक्स है जो पाँच यूनिट में डिवाइड किया गया है ट्वेंटी टू चैप्टर्स है तो चलिए देखते हैं क्या है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ये यूनिट वन है और इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें क्लास इलेवन में तो वो बारह मार्क्स आते हैं एग्जाम्स में फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसमें भी बारह मार्क्स है फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बारह मार्क्स अगेन देन वी हैव प्लांट फिजियोलॉजी एंड फॉलोड बाय ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है सेवनटीन सेवेंटीन हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है चलिए अब देख लेते हैं कि क्लास ट्वेल्व में एन में क्या सिलेबस है इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में अभी जाएंगे नहीं थोड़ा ही ऊपर ऊपर देखेंगे क्योंकि ये हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आता है रिप्रोडक्शन उसके बाद जेनेटिक्स एवोल्यूशन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस और लास्ट में आता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अब आ गया सब कुछ हमने देख लिया क्या सिलेबस है कैसे फॉलो uh, करना है क्या क्या फॉलो करना है अब हम लोग जानेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग पढ़े तो पढ़े कैसे सो so फर्स्ट हम लोग सबसे आसान से जो चैप्टर्स है इजी वाले जो चैप्टर्स है उसको लेने वाले हैं उसको एक एक करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके समझ के कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है और मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम लोग सबसे पहले एन को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को क्लियर करना है उसके ऊपर ही हम लोग बाद में बेसिक डेप्थ में इन स्टडी कर सकते हैं अगर हम लोगों का कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं हुआ तो बाद में हम लोग बेसिक अगर ठीक नहीं रहा तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे दैट इज़ वाई एन सी आर टी वी विल फॉलो देन वी विल गिव स्ट्रेस ऑन द कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल पॉइंट्स ठीक है तो क्या होगा इससे इससे हम लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर होंगे और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ इसके बाद हम लोग हर चैप्टर के बाद एक क्विक रिविजन सीरीज रखेंगे जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा है वो एक बार देख लेंगे और उसके बाद कुछ असाइनमेंट्स करके वो चैप्टर कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जाएंगे तो हम लोग अपना पहला क्लास जो है वो शुरू करेंगे नेक्स्ट दिन से उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये क्लास 11 का यूनिट थ्री का फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोग शुरू करने वाले हैं और चलिए देखते हैं एक साथ मिलके कैसे पढ़ते हैं थैंक यू